तो जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की ढाल में मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के अपनी दलीलें मजबूत करता रहा, आज अदालत से उसको झटका लगा। अदालत ने साफ कर दिया कि यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बाधा नहीं। सुनवाई वाले फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत मान रहा है और मुस्लिम पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। तो अब आगे इस मुद्दे पर घमासान होगा या समाधान, इसी को समझने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत बड़ी खुशी का दिन है, आज हम सारे भारतवासियों से कहते हैं कि आज अपने घर में संग नगाड़े बजा। बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट है, तमाम चीजों पर उन्होंने क्लियर किया है, फैसला 150-200 पेजों में है। दिन कोई भी हो, काशी में हर हर महादेव के नारे आपको सुनाई दे ही जाएंगे, लेकिन आज हर हर महादेव के नारे भक्ति में नहीं बल्कि विजय का घोष करने के लिए। वाराणसी जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को माना सुनवाई की योग्य। क्या अब सामने आएगी वजू खाने की सच्चाई? ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर? कोर्ट के फैसले से हिंदू समाज बम बम है, क्योंकि उन्हें लगता है सदियों से ज्ञानवापी के वजू खाने में बंद बाबा आदि विश्वेश्वर की मुक्ति का रास्ता खुल गया है। जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो हिंदू पक्ष में थे, जो सत्य है, शिव तो सत्य है ना। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। निराकार ओंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महंकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोवन, वो निराकार संपूर्ण। आज काशी की जनता इसका बहुत बहुत बधाई करती है, इनको धन्यवाद देती है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट जज AK विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की अर्जी को खारिज किया, कोर्ट परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे से गूंजने लगा। हिंदू पक्ष को पहले से ही उम्मीद थी कि फैसला उनके हक में आए। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष की दलील क्या थी और कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी ने 3 कानूनों के आधार पर इस मामले को सुनवाई योग्य नहीं मानने की कोर्ट से अपील की थी। इसमें पहला था 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से धार्मिक स्थल से जुड़े किसी भी विवाद की सुनवाई नहीं हो सकती। एक्ट के मुताबिक 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के स्टेटस में कोई बदलाव संभव नहीं है। दूसरा तर्क वक्फ एक्ट 1995 को लेकर दिया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, आजादी के पहले से वक्फ एक्ट में दर्ज है। तीसरा तर्क काशी विश्वनाथ टेंपल एक्ट 1983 का दिया गया, जिसके तहत विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन अपने आदेश में कोर्ट ने इन तीनों दलीलों को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस केस पर लागू नहीं होता। 7 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। अपने फैसले में जिला जज ने साफ कहा कि ये तीनों ही कानून किसी को भी भगवान की पूजा करने के अधिकार से नहीं रोक सकते हैं, भले ही वो मंदिर के दायरे में हो या उससे बाहर। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। दरअसल अब ये मामला सिर्फ श्रृंगार गौरी तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि ज्ञानवापी पर अधिकार को लेकर आगे बढ़ सकता है। इसलिए हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट जाने का मन बना चुका है। उत्तर आने के बाद में इस चीज को, इसमें इशू फ्रेम होंगे कि किस किस चीज पे बहस होगी, क्या क्या चर्चा का विषय बनेगा, उसके बाद में एविडेंस होगा, आर्गुमेंट होगा, एग्जिबिट होगा, गवाही कराई जाएगी, उसके बाद ये फैसला आएगा। कदम आपकी तरफ से क्या रहेगा? उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेंगे, लाइक करेंगे, हाई कोर्ट के काउंसिल लेंगे, बात करेंगे।
हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत मान रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, सर्वे में मस्जिद में मिले सबूत। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की ये चौथी बड़ी जीत है। पहली जीत तब मिली थी जब श्रृंगार गौरी केस में निचली अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया था। दूसरी जीत सर्वे में मिले सबूतों से हुई। तीसरी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई जब कोर्ट ने इस मामले को जिला अदालत में भेज दिया। और चौथी जीत आज हुई है जब कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लायक माना है। वाराणसी से रणवीर, संजय त्रिपाठी, अजय दुबे के साथ अखिलेश आनंद की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।